नमस्कार दोस्तों, भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जिन्हें कई राजाओं ने अपनी पत्नियों की याद में उन्हें बनवाया है। जैसे कि 1653 में शाहजहां ने अपने पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि पत्नी ने अपने पति के लिए किसी चीज या वस्तु का निर्माण किया है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत के गुजरात राज्य में रहने वाली रानी ने अपने पति के याद में बावड़ी बनाई, आज जिसे रानी की वाव से जाना जाता है, और इसे बावड़ी या हिंदी में कुबवा और मराठी में विहीर कहा जाता है। यह रानी की वाव लगभग 900 साल पुरानी है। रानी की वाव एकदम अलग और अद्वितीय है, जिसे साल 1063 में सोलन की राजवंश की रानी उदयमाती द्वारा अपने स्वर्गवासी पति राजा भीमदेव की याद में बनवाया गया था। रानी की वाव ये गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। पाटन को पहले अनहिलपुर के नाम से जाना जाता था, जो गुजरात की पूर्व राजधानी थी। यह ऐतिहासिक बावड़ी रानी की वाव दुनिया की ऐसी इकलौती बावड़ी है जिसे अपनी अद्भुत संरचना और अनोखी बनावट एवं ऐतिहासिक महत्व के चलते 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। विश्व प्रसिद्ध यह बावड़ी इस बात का भी प्रमाण है कि प्राचीन भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कितना बेहतरीन और शानदार था। प्रेम का प्रतीक मानी जाने वाली इस विशाल बावड़ी का निर्माण करीब 11वीं सदी में रानी उदयमती ने अपने स्वर्गवासी पति भीमदेव सोलंकी की याद में करवाया था। सरस्वती नदी के तट पर स्थित इस बावड़ी के बारे में यह भी कहा जाता है कि कई सालों तक बाढ़ आने के वजह से यह बावड़ी धीमी धीमे कीचड़, रेत और मिट्टी के मलबे में दबती चली गई और इसके ऊपर लोग खेती करने लगे। और फिर 80 के दशक के अंतिम सालों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने इस जगह की खुदाई की और पूरी तरह से यह बावड़ी पूरी दुनिया के सामने आई। और खास बात यह रही कि कई सालों तक मलबे में दबे रहने के बावजूद भी इस भव्य रानी की वाव की मूर्तियां शिल्पकारी बेहतर स्थिति में मिले। सरस्वती नदी के तट पर बनी ये 7 तल्लों की वाव 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 30 मीटर गहरी है। इस वाव में 30 किलोमीटर लंबी रहस्यमय सुरंग भी है जो पाटन के सिद्धपुर में जाकर निकलती है। ऐतिहासिक बावड़ी की नक्काशी और कलाकृति की खूबसूरती यहाँ आने वाले पर्यटकों का न सिर्फ दिल खुश कर देती है बल्कि इतिहास से उनका परिचय भी करा देती है। चलिए आपको यहाँ की कुछ दिलचस्प चीजों के बारे में बताते हैं। बावड़ी की वास्तुकला आपको एक उल्टे मंदिर की तरह दिखेगी, यानी संरचना जमीनी स्तर से शुरू होकर नीचे गहरे कुएं के तल तक जाने वाले कदमों से शुरू होती है। इस बावड़ी में लगभग 226 स्तंभ हैं जो बार बार आने वाली बाढ़ के बाद भी बरकरार हैं। बावड़ी के अंदरूनी दीवारों में लगभग 800 से अधिक मूर्तियों को उकेरा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु के दशावतार के रूप में कई मूर्तियां बनी हुई हैं, जिनमें से मुख्य रूप से नरसिम्हा, कल्किराम, वामन, कृष्णा, वाराही और दूसरे मुख्य अवतार भी शामिल हैं। इसके अलावा इस भव्य बावड़ी में माँ दुर्गा, लक्ष्मी, भगवान गणेश, शिव, ब्रह्मा जी, सूर्य समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। इस 7 मंजिली सीढ़ीनुमा बावड़ी मुख्य रूप से पीने के पानी के उचित प्रबंध के लिए बनवाई गई थी। हालांकि इसके निर्माण के पीछे कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के मुताबिक रानी उदयमती ने इस विशाल बावड़ी का निर्माण इसीलिए करवाया क्योंकि वे जरूरतमंद लोगों को पानी पिलाकर पुण्य धर्म कमाना चाहती थी और यहाँ आने वाले लोगों को बैठने की व्यवस्था और उनके मनोरंजन के लिए कई मूर्तियां नक्शी काम किया गया। इस ऐतिहासिक बावड़ी को साल 2018 में RBI आधार जारी 100 रुपए के नए नोट पर भी प्रिंट किया गया है। 2016 के भारतीय स्वच्छता सम्मेलन में रानी की वाव को सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अहमदाबाद से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर बनी यह ऐतिहासिक धरोहर रानी की वाव प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ हर साल भारी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। आप भी यहाँ घूमने जा सकते हैं। पहले आपको अहमदाबाद जाना होगा और वहाँ से मेहसाना से गुजरते हुए पाटन जाना होगा। रानी की वाव पर्यटकों के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार का कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ता है। रानी की वाव पर्यटकों के लिए सुबह 8:30 से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। अगर आप गुजरात घूमने जाते हैं तो इस स्थान का चयन जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।